आरोप, सत्ता के लिए कराए जा रहे दंगे। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि सत्ता के लिए कराए जा रहे हैं ये दंगे। 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, अब नो हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इन सब पर हरियाणा न्यूज से कैप्टन अजय यादव ने खास बातचीत की है। तो देखिए, नो हिंसा पर कैप्टन अजय यादव का ये बयान सामने आया है। नो हिंसा पर कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं, कहा कि सत्ता के लिए कराए जा रहे हैं दंगे और 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, अब नो हिंसा हुई है, नो हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। हिंसा पर हरियाणा न्यूज से कैप्टन अजय यादव ने बातचीत की है। नू के नल्लड़ महादेव मंदिर के बाहर हुई हिंसा के बाद तमाम जो लोग हैं वो सदमे में हैं, सहमे हुए हैं और नू जिले के लगते आसपास के 4 जिलों में भी इंटरनेट सुविधा कुछ हिस्से की बंद कर दी गई है, तो वहीं पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। नू के अंदर अभी तक मैं बात करूं तो 116 लोगों को हिरासत में ले लिया, तो वहीं 41 FIR दर्ज की गई है। तो गुरुग्राम की बात करूं तो अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, 15 FIR दर्ज कर ली गई है और DGP हरियाणा ने साफ तौर पर यही कहा है कि जो हालात हैं वो सामान्य बने हुए हैं। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव हैं। कैप्टन साहब, जो हिंसा हुई किस तरीके से देखते हैं, क्या प्री प्लान था ये सब? देखिए, ये जो मामला हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खोला, कोई यहाँ पर अस्पताल नहीं बनाया, कोई बेरोजगारी का काम नहीं किया। तो लोगों का ध्यान बांटने के लिए मणिपुर के अंदर जो दंगे हो रहे थे उससे ध्यान बटाने के लिए एक नया मुद्दा लेके आ गए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मंदिर नूह के अंदर है, कोई धाम है क्या? रामेश्वर धाम है या द्वारका धाम है या बद्रीनाथ का धाम है? आखिरकार जो है ये चढ़ाई करने का आह्वान करने की ज़रूरत क्या थी कि भी हम सब लोग वहाँ यात्रा में जाएंगे? हमेशा यात्रा होती थी वहाँ के लोकल आदमी यात्रा करते थे और वहाँ पर किसी प्रकार के दंगे नहीं हुए पहले कभी भी, इतिहास भी नहीं है कभी दंगों का मेवात के अंदर। लेकिन जो है मोनू मानेसर कहना कि मैं आ रहा हूँ, मैं और फिर जब पुलिस जो है और CID इनकी और IB वो क्या कर रहे थे? उन्होंने वहाँ पर जो है प्रॉपर पुलिस फोर्स क्यों नहीं लगाई, वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस को क्यों नहीं लगाया? अगर ये कहते हैं वहाँ पेट्रोल बम्स भी थे वहाँ, अगर ये कहते हैं कि वहाँ जो है उनके पास पत्थर थे तो छतों पर पुलिस को क्यों नहीं खड़ा किया, पहले ही नाकाबंदी क्यों नहीं करी? क्या फेलियर मानते हैं नूह जो जिला प्रशासन है या फिर सरकार का फेलियर मानते हैं, क्योंकि जो भी हिंदू संगठन थे उन्होंने पहले ही सूचना दे दी थी कि इस दिन वो यात्रा में शामिल होंगे और वहाँ पर जलाभिषेक करेंगे? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो जो है कि अगर उन्होंने आह्वान कर दिया था तो प्रशासन का तो फेलियर है ही, और SP छुट्टी क्यों चला गया एक दिन पहले और वहाँ पर पुलिस फोर्स क्यों नहीं थी वहाँ? ये सारे प्रश्न लग रहे हैं। DGP आज आए हैं, अपने यहाँ के जो एडिशनल DGP हैं उनको वहाँ पर जो है तैनात करनी चाहिए थी, फोर्सेस करनी चाहिए थी। वो DC क्या कर रहा था वहाँ? आपके SDM क्या कर रहे थे वहाँ पर? ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगानी चाहिए थी वहाँ पर, जो है पुलिस का बंदोबस्त करना चाहिए था। लेकिन ये चाहते थे कि भाई कोई दंगे हों, मेवात में कभी दंगे नहीं हुए पहले, ये यात्राएं पहले भी होती रही हैं और रेवाड़ी से 400 लोग आए वहाँ से, उसमें महिलाएं और बच्चे, उनने बेचारियों ने जाकर जो है शरण ली मंदिर में जाके। अरे भाई मोनू मानेसर से पूछो कि भाई आपने आह्वान किया था लोगों को तो क्यों लोगों को उकसाने की जरूरत क्या थी, फिर गए क्यों नहीं? केवल जो है ये एक प्रायोजित एक जो है षड्यंत्र था भाजपा का कि भाई हम विकास के नाम पर नाकाम हो रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं,
हम इस इलाके को कुछ सौगात नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए बगैर काम किए धर्म और जाति दो समुदाय के जो लोग हैं आमने सामने हैं, वो चाहे रेवाड़ी जिले की बात करूं, गुरुग्राम जिले की बात करूं, मेवात जिले की बात करूं, तो उसको लेके क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? तो आप कई बार मंत्री भी रहे और मेरी हाथ जोड़ के विनती है हिंदू और मुस्लिम भाइयों से कि ये भाजपा सांप्रदायिक ताकतें हैं, इनके चक्कर में मत आओ। ये आप लोगों को ना रोजगार देंगे, ना आपकी महंगाई ख़त्म करेंगे, ना बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, ना आपकी यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, ना आपके लिए यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल बनाएंगे, ना आपकी नहर बनाएंगे, ना मेवात में रेल की सीटी बजेगी, ना यूनिवर्सिटी बनेगी, ना एम्स बनेगा। अगर इनको बार बार इसी तरीके से धर्म की आड़ में सत्ता माने का अगर रास्ता आप खोलते रहेंगे तो ये काम नहीं करेंगे। केवल एक ही रास्ता चुनेंगे कि आप लोगों को आपस में लड़ाएं। इसलिए मेरी विनती है कि हाथ जोड़ के विनती है कि भाई अब आप शांति से रहें और अमन और शांति वहाँ के जो लोकल लोग हैं। कैप्टन साहब, आपने लोकसभा चुनाव लड़ा 2019 में, आपका भी लोकसभा क्षेत्र में बात पड़ता है, क्या आप अभी तक वहाँ जाके आए, वहाँ के हालातों का जायजा? नहीं, मैं जाने के तो मैं चला जाऊँ, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि पुलिस प्रशासन जो अपना काम कर रही है अभी, पहले वहाँ शांति बहाल करने की जरूरत है। मैं कोई वहाँ रोटियाँ सेकने के लिए जाना नहीं चाहता हूँ मैं। और मरे कौन हैं? दो होमगार्ड के हमारे जवान मरे हैं बेचारे, निहत्ते थे, वो मारे गए। उनके परिवार के लोगों को के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ मैं, उन्होंने जान दी है। एक सिलेंट मरा है, तो मैं आज वहाँ जाकर रोटियाँ सेकूँ, मेरी आत्मा नहीं मानती है कि मैं वहाँ जाकर जो है रोटियाँ सेकूँ और जाकर ये कहूँ कि भई ये तो काम प्रशासन का है कि पहले वहाँ शांति बहाल करें। हम लोगों के बीच में भी जाएंगे, वहाँ के जो लोकल जो MLAs हैं वो वहाँ लोगों के बीच में जाएंगे। मेरा वहाँ जाकर, मैं नहीं चाहता कि वहाँ की किसी प्रकार का उत्पात हो और मेरे नाम पर कोई ऐसा कोई बात लग जाए कि मैंने जाकर। हरियाणा के DGP कह रहे हैं कि जो हालात हैं वो सामान्य हैं, वो काबू में है, यदि अब भी कोई इस तरीके की घटना सामने आती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। आपको क्या लगता है, जो हालात हैं वो अभी सामान्य बने? जो दंगाई थे दंगा करके चले गए, जो भाजपा के लोग बाहर से आए थे वो तो चले गए, लेकिन जो हमारे वहाँ के लोकल बेचारे हिंदू हैं जिन्होंने इनके साथ रहना है, उनका भाईचारा कायम कैसे होगा? उनके अंदर जो दीवार एक खाई पैदा कर दी इस केवल एक यात्रा की वजह से, मैं तो इस तरह से प्रार्थना करता हूँ कि दोनों समुदाय की एक बाकायदा उनकी पंचायत होनी चाहिए, पर बैठ कर फैसला करें, क्योंकि उन दोनों ने वहीं रहना है। कैप्टन अजय सिंह वहाँ जाके नहीं रहेगा, उन दोनों समुदाय ने वहाँ रहना है, बैठ के अपना भाईचारा बनाए। हालात जब सामान्य हो जाएंगे, क्या कैप्टन अजय सिंह यादव उन लोगों के बीच में जाएंगे? बिल्कुल जाऊँगा मैं उन भाइयों से बातचीत करूँगा और मैं उनसे कहूँगा कि इनके जाल में ना फंसें, कि जाल बिछाया था जिस जाल में ये लोग फंस गए हैं। और सत्ता के लिए जब पुलवामा अटैक में 42 जवानों की कुर्बानी पर ये खेल खेल सकते हैं, तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है। पुलवामा अटैक के नाम के ऊपर 2019 का चुनाव जीत गए, इनके लिए मनुष्य की जान कोई कीमत नहीं रखती। सत्ता के लिए ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, इनकी कुर्सी खतरे में है। आपका कहना ये है कि जब चुनाव नज़दीक है तो इस तरीके का जो प्री प्लान तरीके से ये पूरी जो घटनाक्रम हुई है, बिल्कुल ये एक ट्रेलर है कि लोगों को भड़काओ, लोगों को लड़ाओ। गुरुग्राम में भी दंगे हो गए। तो ये थे मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि नूह में जो हिंसा हुई है वो BJP के एक सोची समझी जो है चाल है, और उसके तहत इस तरीके के जो हालात हैं वो मेवात के सहित आसपास के जो जिले हैं उसके अंदर भी देखने को मिले। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ संजय राठौर।